दोस्तों, आज हम आपको पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और बहुत जगह आपने पेपरों में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो आपको जो अपडेट दे रहे हैं ये बहुत बड़ी अपडेट है। सभी लोगों को इंतज़ार है कि पेंशन कब आएगी, लेकिन आज हम आपको सही और सटीक डेट बताने जा रहे हैं कि पेंशन आपकी जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी पहली से 8 तारीख तक आपके खातों में आ जाएगी। जेलों पर सभी जगह बजट आ चुका है, ये देरी हो रही है। केवल वृद्धावस्था और निराश्रित विधवा लाभ पेंशन उनकी इस वजह से देरी हो रही है कि इन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं कराई थी, और जिन लोगों ने केवाईसी करा दी है उनकी पेंशन 100% आना तय है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग रह गए हैं जिन्होंने एक केवाईसी नहीं कराई है, वो तत्काल अपनी ई केवाईसी करा लें। फिलहाल तो इस बार तो बजट सब दिया जा चुका है, लेकिन आगे बजट आने में अभी थोड़ी अगली बजट आने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वृद्धावस्था पेंशन के आधार पर प्रमाणीकरण अनिवार्य होने के बाद भी पेंशन होने अभी सुस्ती छाई हुई है। साथ ही विभाग के कर्मचारियों की सुस्ती के चलते लाभार्थियों की अगली किस्त मिलना अभी मुश्किल है। वृद्धावस्था पेंशन के आधार पर प्रमाणीकरण सत्यापन अनिवार्य किए जाने के बाद हजारों पेंशनरों ने आधार सत्यापन से आनाकानी कर रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों द्वारा धीमी गति से सत्यापन के कारण अगली किस्त लाभार्थियों को नहीं मिल पाएगी। जिले में अब तक 28,000 आधार सत्यापन हो चुका है। इस कारण प्रदेश के जिले में कानपुर जिले की 25वीं रैंक है, यही पहले स्थान पर फिरोजाबाद और सबसे नीचे औरैया है। आप बेझिझक रहिए, आप लोग सभी की पेंशन आएगी। अगली बार जो है वो अगली पेंशन बिना केवाईसी के नहीं आएगी, इसलिए आप सभी लोग केवाईसी करा लीजिए और पेंशन का लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।